मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरा जोर लगा रहे हैं। पूरे प्रदेश का दौरा कर मुख्यमंत्री शिवराज लोगों को अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। आज शिवराज सिंह चौहान सिंगरौली पहुंचेंगे, जहां वो रोड शो और जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए आज सिंगरौली पहुंचेंगे। शिवराज सिंह चौहान सिंगरौली में आयोजित कई कार्यक्रम में शामिल होंगे और बैहनन में रोड शो कर भाजपा प्रत्याशी राम निवास शाह के पक्ष में वोट मांगेंगे। तो वहीं बगदरा में भाजपा उम्मीदवार राधा सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री देवसर विधानसभा क्षेत्र के मांडा में भाजपा उम्मीदवार राजेंद्र मेश्राम के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सिंगरौली के भाजपा जिलाध्यक्ष राम सुमिरन गुप्ता ने कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए कहा कि सिंगरौली की सभी विधानसभा सीटों में भाजपा की जीत होगी। शिवराज सिंह चौहान जी आज 5 तारीख को पहला कार्यक्रम उनका बगदरा में है हमारे जिले में, और दूसरा कार्यक्रम हमारा बैठन में रोड शो का कार्यक्रम है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी 4:50 में बगदरा आएंगे, वहां के चितरंगी विधानसभा को संबोधित करेंगे जनता जनार्दन के बीच में, जनता जनार्दन से प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे। इसके बाद रोड शो का कार्यक्रम बैठन में, उसमें करीब 5:30-6 बजे के आसपास, 5:30 बजे के आसपास वो आएंगे। चुनावी शोर में दब जाते हैं कई बार असल मुद्दे, अनसुना किया जाता है जनता की आवाज, स्वागत की बंधनवारों के पीछे का सच, शिलान्यास के पत्थरों से पथराई आंखों की हकीकत। हमारे साथ दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।